हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। और आज मैं पहले ही आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। उस दिन मैंने फीडबैक का एक वीडियो डाला था, तो वहाँ पे आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आप इतने ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे ऐसे इतने ज़्यादा प्यार करते हो, रेस्पेक्ट करते हो और सपोर्ट करते हो, तो उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच के आप सभी के लिए, मेरे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस। आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स हील हो, यूनिवर्स आपके साथ रहे हमेशा, गॉड आपके साथ रहे। ठीक है, आप जो चाहते हो आपकी सारी विशेस फुलफिलमेंट हो। ठीक है, एंड यूनिवर्स को भी थैंक यू सो मच। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ थ्रोट चक्र ओपनिंग साइन के बारे में बताऊँगी, थर्ड आई चक्र ओपनिंग साइन बताऊँगी और क्राउन चक्र ओपनिंग साइन भी बताऊँगी। तीनों चक्रास के बारे में आज एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि बार बार ठीक है, सेम वीडियो लाने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि बाकी तीन चक्रा ही है ओपनिंग साइन बताने के लिए, तो एक ही चक्रा में मैं कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो इसी वजह से मैं पहले आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, पेशेंस रख के देख लेना, अगर थोड़े थोड़े करके भी देख सकते हो। ओके, एक ही वीडियोस में मैंने बताया हार्ट चक्र ओपनिंग, ठीक है, बाकी जितने सारे चक्रा से, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र, नूट चक्र, चारों चक्रस के बारे में मैंने बताया है ओपनिंग साइन के बारे में। अगर वो ओपन हो गए आपके या फिर हो रहे हैं तो आप वो वीडियोस देखना, उसमें साइन एंड सिम्टम्स बताया है मैंने, तो मैच करके देख लेना। ठीक है, और आज मैं बताने वाली हूँ थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा पे। ओके, तो और एक बात मैं बताना चाहती हूँ पहले वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपके पास टाइम हो तो। आज सुबह फिर से एक कॉमेंट आया, मुझे बहुत हंसी भी आई और वो मैसेज मैंने डिलीट नहीं किया, आप देखना जाके रिसेंट किसी वीडियो में किसी ने क्या नाम था उनका, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन वो एक लड़की ही थी, फीमेल थे पता नहीं, तो वो ना मुझे फिर से एक कमेंट लिखा है, मैंने डिलीट नहीं किया, आप लोग जाके देख लेना, मैंने भी रिप्लाई दिया है। तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने वीडियोज़ का, तो टाइम नहीं है उनके पास, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देती हो, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए भी, बैकग्राउंड सॉन्ग के लिए भी उन्होंने कुछ डाला है। तो मैं हर बार मेरे सारे वीडियोस में बताती हूँ, मेरे और एक चैनल है यूनिवर्स 11, वहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं हर बार सॉरी कहती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी कहती हूँ, ठीक है, कि बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ और मेरे घर में भी मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं हर बार बताती हूँ, हर वीडियोस में बताती हूँ, सॉरी कहती हूँ बार बार, ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बैकग्राउंड में गाना चलते हैं, कभी सीरियल चलते हैं, जॉइंट फैमिली है गाइस, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, और कहने से सुनेगा भी नहीं, मम्मी चाची आंटी ऐसे ही होते हैं कि वो सीरियल्स नहीं कभी छोड़ते, ठीक है, स्किप नहीं करते अपने सीरियल्स को, बहुत ज़्यादा वो लोग सीरियल्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो मैं कैसे रोकूं सभी को, आप ही बताओ। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं मेरी टाइम देख के, जब वो लोग सीरियल वीरियल नहीं देखते तब मैं, जब एकदम शांत होता है तब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कभी अगर ऐसे बैकग्राउंड में कुछ गाना चल जाता है, ठीक है, नॉइज़ हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी भी कहती हूँ। लेकिन उन्होंने आज जो कॉमेंट किया तो बैकग्राउंड में ऐसे डाला था, तो मैंने कुछ नहीं कहा, थैंक यू सो मच, ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश हमेशा करती हूँ, और आप लोग जाके देख सकते हो वो कॉमेंट, मैं डिलीट नहीं किया, ठीक है, मैंने उन्हें भी रिप्लाई दिया कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया और नेक्स्ट बार मैं अपने दिमाग में रखूँगी ये बात। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए जो कहा, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपको ये गाना अच्छा लगा, थैंक यू, तो इस तरीके से मैंने रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के माइंड में जो भी बात है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानती, ठीक है, मेरी अगर कुछ भूल हो वो भी आप बता सकते हो, मेरी अगर कुछ आपको अच्छा लगे तो वो भी बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो
इसी तरीके से आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा, ठीक है। आप लोगों की वजह से मैं जितना हो सके आगे जा सकूँगी। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। मैं भी जितना भी हो सके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ हमेशा और करती रहूँगी। थैंक यू। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी थ्रोट चक्र ओपनिंग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ओके। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया थ्रोट चक्र कैसे उनको हील करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। चक्रास की प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पे सारे चक्रास के वीडियो से वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो थ्रोट चक्र ओपनिंग साइन, तो पहला साइन तो है कि आप खुद को एक्सप्रेस करने लगोगे। थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक्ड होता है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों के सामने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हो, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, खुद के माइंड में दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बात है, वो आप किसी के सामने रख नहीं पाते हो। लेकिन अगर थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, ओपन हो जाता है, हील हो जाता है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो ईजीली किसी के भी सामने। जो भी आपके मन में बात है वो आप कह सकते हो। नेक्स्ट साइन है बिना किसी डर के आप मतलब सच बोलने लगते हो। आप झूठ कभी नहीं बोलते हो। थ्रोट चक्र अगर आपकी ओपन है, अगर हील हो चुके, तो आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते, ओके। आप कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई हो जाता है, ठीक है, क्लैरिटी आ जाती है आप में, तो आप सभी को मतलब सच बोलते हो और सच के खिलाफ लड़ते भी हो, सॉरी झूठ के खिलाफ क्या कहते हैं पता नहीं है, और मतलब जो झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ लड़ते हो और सच बोलते हो, सच का साथ देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप म्यूज़िकल एबिलिटीज आप में बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप अच्छे से गाना गाते हो, ठीक है, अगर आप गाना गाना अच्छा लगता है आपको, अगर आप सिंगर हो, सिंगर होना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, या फिर कहीं पर भी गाते भी हो, तो वो एबिलिटीज आप में अच्छे हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िकली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे, क्रिएटिव बन जाओगे, ठीक है, गाना गाते हुए, इसी तरीके से चीज़ें। नेक्स्ट साइन है कि थायराइड ग्लैंड हेल्दी हो जाता है। अगर थायराइड प्रॉब्लम है आपकी तो वो सुधरने लगते हैं, हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन में इम्प्रूव होता है, अच्छे से लिसन करते हो लोगों को, ठीक है, लोगों को अच्छे से सुनते हो, जो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम शेयर करे, कुछ भी शेयर करे, खुशी की बात हो, दुख की बात हो, तो उनको आप अच्छे से सुनने के काबिल बन जाते हो। कोई कोई होता है ऐसा, मैंने देखा कि वो लोगों की बातों में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, सुनना नहीं चाहते, मतलब बहुत बोर हो जाते, इरीटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, मतलब बहुत जल्दी बोर हो जाते, लोगों की बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन खुद के बात वो बहुत अच्छे से रख देते हैं, लेकिन दूसरों की बात वो सुनना नहीं चाहते। तो थ्रोट चक्र अगर ओपन है तो आप लोगों की बातों को भी अच्छे से सुनते हो, एकदम पेशेंसली बहुत अच्छे से सुनते हो लोगों की बात को, और अगर हो सके तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हो, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज में भी सुधार होता है। बहुत लोग गाली गलौज करते हैं, मेरे मतलब पहचान में भी ऐसे बहुत डीएफ्स है जो मुझे कहते हैं कि मैम मुझे तो गाली निकल जाता है, ये निकल जाता है। तो अगर थ्रोट चक्र ठीक हो गया, हील हो गया, तो आप इस तरीके से बातें नहीं करोगे, अपनी लैंग्वेज में आपकी सुधार होगी, अच्छे से मतलब आपकी अच्छी भाषा होगी, अच्छी मतलब बात करोगे आप अच्छे से लोगों के साथ, आपकी बातों में ही लोग मतलब पड़ जाएंगे, ऐसे बात करोगे आप, मधुर बातें जो कहते हैं ना, उस तरीके से। नेक्स्ट है आपका हर्ट और माइंड एक साथ काम करता है, मतलब आपका हर्ट जो हिंस देगा वही माइंड भी वही कहेगा, आपकी दिमाग जो कहेगा आपकी दिल भी वही कहेगा, ठीक है। तो दोनों में मतलब हार्ट चक्र और क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र, ठीक है, तो थर्ड आई चक्र एंड हार्ट चक्र के बीच में होता है थ्रोट चक्र। तो इसी वजह से अगर थ्रोट चक्र आपकी क्लीन हो गई तो थर्ड आई चक्र एंड हार्ट चक्र पे भी असर पड़ता है, उसमें भी थोड़ा सा सुधार होता है। इसी वजह से आपके हार्ट और माइंड एक साथ काम करता है। कभी कभी होता है ना कि मेरा दिल कहता है कि वहाँ पर जाओ और दिमाग कहता है ना जाओ, ठीक है। तो अगर थ्रोट चक्र आपकी हील हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो क्या होगा, आपकी हर्ट जो कहेगा यहाँ पे जाओ, दिमाग भी कहेगा हाँ जाओ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट साइन है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। लोग आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। आप कहीं पर भी जाओगे, लोग आपके सामने आएंगे, या फिर आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, फ्रेंड्स आपकी बहुत बनने लगते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आप जो एडवाइस देते हो वो लेते हैं, आप जो गाइड करते हो वो लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं आपको, समझते हैं, ओके। और नेक्स्ट है कि लोगों से जुड़ना, उसकी बातें
करना ये सारी चीज़ आपकी लाइफ में मतलब एक पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हैं, और आप जिसकी मतलब इंजॉय करोगे इन सारी चीज़ों में, लोगों से जुड़ना, लोगों से बातें करना, उनकी भी प्रॉब्लम्स मतलब आप सुनना, आपकी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ शेयर करना, सुख दुख बांटना, जो भी अनजान लोग हो या फिर पहचान वाले हो, आप उनसे जुड़ते हो, उनसे बातचीत करते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको इंजॉय लगता है, इंजॉय करते हो आप इन सारी चीज़ों में आपको। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थे, अगर आपके थ्रोट चक्र ओपन हो गई है तो ये सारी पॉइंट्स आपको मतलब इन सारी सिम्टम्स साइन आपको मैच होने लगते हैं, ठीक है। तो आप मैच करके देख लेना, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी थ्रोट चक्र हील हो गई है या नहीं, या फिर प्रोसेसिंग में है। अब मैं बताती हूँ थर्ड आई चक्र अगर आपकी ओपन हो गई है तो आपको क्या साइनल सिम्टम्स मिलते हैं। तो पहला तो है आपको विविड ड्रीम्स आएंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस ड्रीम जो सच लगने लगे, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं वहाँ पर थी या था, जो भी हो, आप लोग जनरल जैसे गाइस सभी के चक्र होते हैं, है ना, आप जानते हो कि एनिमल्स के भी चक्र होते हैं, जो भी इस दुनिया में प्राणी हैं, छोटे से छोटे जीव भी होते हैं जो, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके भी चक्रास होते हैं, चक्रा सभी के होते हैं, ओके, सिर्फ ह्यूमन के नहीं। तो विविड ड्रीम्स आएगा आपको, बहुत ज़्यादा इंटेंस ड्रीम जो आपको एकदम सच लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि उस ड्रीम में मैं थी, मैं वहाँ पर ही थी या फिर था, ठीक है। नेक्स्ट है आप मतलब आपको नींद नहीं आएगा, आप इधर से उधर करोगे, जो कहते हैं ना करवट लेना इधर से उधर, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहोगे, इतने सारे एक साथ दिमाग में सोच आएगी, थॉट्स आएगी, ठीक है, बहुत सारे मतलब थॉट्स आने लगेंगे आपके माइंड में, आप सो नहीं पाओगे, आप आंखें बंद करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपके विजन दिखाई देगी, आप मतलब सो नहीं पाओगे, रात रात भर जागोगे, इस तरीके से होगा। अगर सोओगी भी तो क्या होगा, मेरे जब थर्ड चक्र ओपन हो रहे थे तो मुझे भी ऐसे रात में एकदम नींद ही नहीं आ रही थी, दिमाग मतलब बहुत दर्द कर रहा था, ठीक है, हेडेक हो गया था, और मतलब नींद नहीं आ रही थी, जितना भी ट्राई करो नींद नहीं आ रही थी, आंखें बंद करती तो बहुत सारे विजन्स मुझे दिखाई दे रहे थे, और अगर सो भी गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सिर्फ आंखें बंद थी, मेरी ना बॉडी सोई है ना दिमाग सोया है, ठीक है, पूरी रात मतलब जागती रही हूँ मैं, सुबह उठ के ऐसे मेरे फैमिली को भी बताती थी कि मैं कल रात एकदम सो नहीं पाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरी आँखें ही बंद थी, ठीक है, आँखें ही बंद थी, मुझे लगा कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मेरे दिमाग और मेरी बॉडी सब कुछ जाग रहे थे, और इतने सारे विजन्स आ रहे थे, क्या हो रहा था मेरे आसपास, क्या हो रहा था, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से आपको होगा। ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लॉसेस आपको फील होगा, क्योंकि आप रात रात भर इतने सारे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, इतने सारे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, और जो भी विजन आता है वो सारी चीज़ें, नींद नहीं आना, तो इसी वजह से आप मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लॉसेस आपको फील होगा, ग्रॉगीनेस फील होगा आपको मॉर्निंग में। ओके, नेक्स्ट है कि हाई ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा, हाई हो जाता है बीपी, ठीक है, ये जो थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो बीपी हमारी हाई हो जाती है, थोड़ा सा पहले जितना था, अगर आपकी बीपी नहीं भी है फिर भी हाई हो जाता है, तो घबराना मत, ये थर्ड आई चक्र ओपन होने से होता है, लेकिन अगर बाकी सिम्टम्स आपके साथ मैच नहीं होता है, अगर बीपी हाई है तो डॉक्टर को प्लीज़ दिखा दीजिएगा। ओके, अगर बाकी सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे और बीपी भी हाई है तो समझ लेना कि हाँ मेरे थर्ड आई चक्र ओपन हो रहे हैं या फिर हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपको एनजाइटी होगी, कंफ्यूजन होगा चीज़ों को लेकर, ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, बॉडी में वाइब्रेट होना, ठीक है, आईब्रोज के बीच में प्रेशर फील होना, आईब्रो के बीच में ही होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, तो इस चक्रा पे आपको प्रेशर फील होगा, कोई मतलब ऐसे दबा रहा है आपकी थर्ड आई, आपको ऐसा फील होगा, बार बार हेडेक होना, धीरे धीरे से मतलब सर दर्द बढ़ता जाता है, ठीक है, पूरे मतलब सर पे होता है, फोरहेड पे होता है, फोरहेड के आसपास, आँखों के आसपास, या फिर सर के पीछे भी होता है, ये क्राउन चक्रा के लिए होता है, लेकिन थर्ड आई चक्रा जब ओपन होना स्टार्ट हो जाता है तो क्राउन चक्रा पे भी असर होता है। ओके, तो इसी वजह से ना हमारे सर के पीछे भी, ठीक है, हेड के पीछे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओके, एंड इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये आप लोग सभी जानते हो, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है,
टेलीपैथी की एबिलिटीज़ हमें आ जाती है, हम किसी के साथ भी टेलीपैथी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे जान सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जितने भी दूर हो उनसे हम जुड़ सकते हैं। ड्रीम्स में आपको एंजल्स गाइड करेंगे, मैसेज देंगे यूनिवर्स के, ठीक है। मतलब जो भी वो चैनल मैसेज देते हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से होता है। और जो यूनिवर्स चैनल मैसेज आपको मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगे, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, नंबर्स दिखाएंगे, शो करेंगे सपने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगा, गॉड आपके सपने में आ सकते हैं, वो आपसे कुछ कहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होता है ड्रीम्स में। हेल्दी डाइट लेना आप स्टार्ट कर देते हो, खाने को लेकर बहुत ज़्यादा कंसियस हो जाते हो आप लोग, बाहर का खाना, तले भुने ये सारी चीज़ें, ठीक है, फास्ट फूड, मतलब बहुत सारे आप हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर देते हो, अपने अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हो, ठीक है, अपने बॉडी को लेकर, अपने डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसियस हो जाते हो। नेक्स्ट है कि आपको ज़्यादा रोशनी में जाने से प्रॉब्लम होगी, ओके, ज़्यादा नॉइज़ में जाने में आपको परेशानी होगी, लाइट एंड साउंड से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, ओके, ये होता है। ज़्यादा लाइट्स में आप नहीं रह सकते, आपको पसंद नहीं होगा ज़्यादा लाइट्स, ठीक है, और ज़्यादा साउंड भी आपको पसंद नहीं होगा, आप चाहोगे कि आप शांत में रहो, ठीक है, शांति में रहो, पीस एक जगह पर रहो, पीसफुल रहो, ठीक है, आप पीस फील करो, ये आप चाहोगे। और कभी कभी कुछ कलर्स को लेकर भी सेंसिटिविटी आ जाती है, मतलब ज़्यादा चमकीला भड़कीला ये सब कलर आप लोग नहीं देख सकते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसे डीप कलर पसंद है, तो अगर आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो चुकी है तो आपको डीप कलर पसंद नहीं होगा, आप ज़्यादातर लाइट कलर पसंद करोगे, लाइट कलर का ड्रेसेस पहनोगे, ठीक है, जो भी हो आप अपने लाइफ में लाइट कलर यूज़ करने लगते हो, ज़्यादा ब्राइटर कलर आप मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाइफ पर्पस की आप फाइंड करते हो, अगर आप जान चुके हो कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हो, और उस लाइफ पर्पस पे आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, अपने हायर लाइफ पर्पस जो होता है। ऐसे तो हमारे लाइफ पर्पस बहुत कुछ होता है, ठीक है, जैसे आपको पता चला कि आपके लाइफ पर्पस है एक डॉक्टर बनना, हीलिंग करना, लोगों का हेल्प करना, लेकिन उससे भी बड़े हमारे कुछ लाइफ में होते हैं, हायर लाइफ पर्पस जिसे कहते हैं, वो आपको पता चल जाता है, ओके, तो उस पर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो अगर आपके थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाते हैं तो। और आपको विजन आएगा, आप अगर मेडिटेशन में बैठोगे या फिर ड्रीम्स में, आपको बार बार विजन आएगा कि आप जब आँखें बंद करते हो तब आपको बहुत सारे लाइट्स नज़र आएंगे, जियोमेट्रिकल शेप्स आपको दिखाई देगी, अलग अलग किस्म के पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, बहुत मतलब पैटर्न्स ऐसे दिखाई देंगे कि आपको पता भी नहीं होगा क्या पैटर्न्स है, मतलब वो तेरे मेरे क्या कहते हैं वो, बहुत ज़्यादा मतलब ओके, ऐसे आपको पैटर्न्स नज़र आएंगे, आप कभी सुलझा नहीं सकते, ठीक है, उलझा हुआ कुछ ऐसे आपको पैटर्न्स नज़र आएंगे, जियोमेट्रिकल शेप्स आपको दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा जब आप आंखें बंद करते हो, मतलब विजन में, ठीक है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे थर्ड आई चक्र ओपनिंग के बारे में, ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ क्राउन चक्र अगर आपकी ओपन हो चुकी है तो उस पर आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलता है, ओके। तो अगर आपकी क्राउन चक्र ओपन हो चुके हैं या फिर ओपन हो रहे हैं, प्रोसेसिंग में है, तो आपको क्या महसूस होगा, हेडेक होगा जो मैंने कहा आपको, ठीक है, हेडेक होना स्टार्ट होगा, डिजीनेस, ओके, सर घूमना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें आपकी होगी, और टिंगलिंग फील होना, क्या कहते हैं उसे, झनझनी सा फील होना, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, ओके, नींद नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें, फूड टेस्ट में चेंज हो जाएगी आपकी, मतलब टंग मतलब टेस्ट चेंज हो जाएगा, ओके, आप जो खाना पहले पसंद करते थे, ये चीज़ आपको बहुत प्यारा लगता था, आप बार बार उससे बनाकर खाते थे या फिर मम्मी को बोलते थे, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर हो जाएगा ओपन, तो आपकी फूड टेस्ट में चेंजिंग आ जाएगी, वो चीज़ आपको अभी टेस्ट नहीं लगेगी या फिर उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाएगा, इस तरीके से होगा, लाइफस्टाइल में चेंजिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइट्स आपको दिखाई देगा विजन में या फिर ड्रीम्स में, कि बॉडी ब्लोस होना, ये सारी चीज़ें आपके होंगे। इमोशनली आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग आएगी अगर आपके क्राउन चक्र ओपन हो गए हैं, तो टेंशन, एन्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आप में आ जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एन्जाइटी फील होना, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एनिमल्स की, मतलब बहुत सारे सोल्स की आप एनर्जी को खुद में रिसीव करते हो,
तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाएगी, एनजाइटी आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगी, इमोशनल डिटैचमेंट हो जाओगे आप लोग, बिलीफ सिस्टम में भी चेंजिंग आ जाएगी, ओके, रश इमोशंस में रश हो जाएगी, रश ऑफ इमोशंस, ठीक है, सेंस ऑफ बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें आप में होगी, ये है इमोशनली साइन। नेक्स्ट है स्पिरिचुअली आपको क्या साइन मिलेंगे, विविड ड्रीम्स आएगी, कलरफुल ड्रीम्स आएगा, आपको सपने में रेनबो दिखाई देगा, बहुत सारे कलर्स दिखाई देगा, मतलब बहुत सुंदर दिखाई देगा सपने में। अगर कलर्स भी ना दिखाई दे तो ऐसे आपको किसी प्लेस दिखाई दे सकता है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कलरफुल कलरफुल मतलब फ्लावर्स है, पेड़ है, नदियाँ है, ठीक है, बहुत सुंदर एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, इस तरीके से ड्रीम्स आपको नज़र आएगी। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो क्विकली एक्सेप्ट हो जाता है, यूनिवर्स क्विकली वो रिसीव कर लेते हैं और आपको वो सेंड करते हैं, ओके, मैनिफेस्टिंग पावर आप में आ जाती है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो मतलब झट से काम हो जाता है, ठीक है, हो जाता है मैनिफेस्ट। यूनिवर्स के साइंस को आप रिसीव करते हो, समझते हो, यूनिवर्स जो भी आपको साइन देते हैं, जो भी चैनल करते हैं, वो आप चुटके में समझ जाते हो, आप वो सोचते नहीं हो, कन्फ्यूज़ नहीं होते, आप मतलब एकदम क्विकली जान जाते हो कि यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहते हैं। उसी अगर उसी टाइम आपको क्राउन चक्र अगर ओपन हो जाता है तो उसी टाइम आपको ये भी फील होता है, मतलब फील नहीं होता है, ये आप जान जाते हो कि यूनिवर्स आपको क्या डाउनलोडिंग दे रहे हैं, ठीक है, खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है। आप किसी क्वेश्चन को सर्च कर रहे हो तो खुद ब खुद आपके माइंड में वो सवाल भी डाउनलोड हो जाता है, आपको कि कोई बताना नहीं होगा, ठीक है, आपको किसी की साइन नहीं लेनी होगी या फिर किसी की एडवाइस नहीं लेनी होगी, आपके माइंड में खुद ब खुद वो डाउनलोड हो जाता है। आप गॉड से कुछ पूछोगे तो इंस्टेंट आपको वो आंसर मिल जाता है, ओके। बाकी छः चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। बाकी छः चक्रा तो ऑलरेडी आपकी अगर ओपन है, फिर भी अगर क्राउन चक्रा ओपन हो जाते हैं तो बाकी छः चक्रा में, ठीक है, बाकी सिक्स चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होगा और थोड़ा सा पेन भी हो सकता है, ओके, मतलब ऐसे वाइब्रेटिंग होगा, ठीक है, स्पिन होगा, इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपके क्राउन चक्र ओपनिंग प्रोसेस पे है या फिर ओपन हो गया है। पॉजिटिव एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा आ जाती है, अगर आपके क्राउन चक्र ओपन हो गई है तो पॉजिटिव एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप हमेशा मतलब पॉजिटिव रहते हो, कुछ भी अगर नेगेटिव होता भी है फिर भी आपकी पॉजिटिव ही रहते हो आप लोग, ठीक है, आप मतलब यूनिवर्स को हमेशा पॉजिटिविटी ही सेंड करते हो, पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करते हो तो आपको भी पॉजिटिविटी मिलता है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अगर आप यूनिवर्स को जो भी मतलब सेंड करोगे वही आपको मिलेंगे। बूमरिंग प्रोसेस जो आप आई होप आप लोग जानते हो बूमरिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हैं बूमरिंग प्रोसेस, ठीक है, तो बूमरिंग जो होते हैं वो अगर आप ऐसे मतलब फेंक देते हो ना तो वो भी वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो इसी तरह ही यूनिवर्स को जो आप सेंड करोगे उसी तरह वही आपके पास आएंगे, तो पॉजिटिविटी सेंड करो तो पॉजिटिविटी ही मिलेगी, ओके, नेगेटिव सेंड करोगे तो नेगेटिव मिलेगी, तो इसी वजह से हमेशा पॉजिटिव रहना है, ओके। तो आज की इस वीडियो में चक्रा की वीडियो कंप्लीट हो गई है मेरी, और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था बहुत दिन पहले कि 12 चक्रा के बारे में वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं बनाऊँगी, बहुत बिजी हूँ अभी लाइफ में गाइस, क्योंकि मैं किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, आप लोगों के सवाल जवाब के ऊपर भी मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे मेरे भी टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो टाइम भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आप लोग अगर पेशेंस रखो तो मैं ज़रूर वो वीडियोस भी लेके आऊँगी। अभी बहुत सारे ऐसे मतलब आप लोगों ने ही, मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ के टॉपिक मुझे रिक्वेस्ट किए हैं, तो पहले मैं उन रिक्वेस्ट को कम्प्लीट करूँगी, फिर मेरे जो टॉपिक्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये थी आज चक्रास की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, एंड कमेंट में बताना ज़रूर आपकी कौन सी चक्र ओपन हो चुकी है या फिर ओपनिंग प्रोसेस पे है, ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फिर से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, इतने लव देते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड लव यू ऑल।